हम राजनीतिक दलों प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दलों के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने जो कुछ 3 पॉइंट्स हमने देख लिए थे कि राजनीतिक दलों की प्रजातंत्र में क्या भूमिका है। तो जनमत तैयार करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करना। इसके पश्चात हम जो बात करेंगे वो है जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना। राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य एक ऐसे कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वह जनता में सरकार की नीतियों का प्रचार करते हैं, सरकार जनता को सरकार के साथ सहयोग करने की अपील भी करते हैं, और राजनीतिक दल निर्वाचक समूह को जानकारी देने, प्रशिक्षित करने, सक्रिय बनाने का कार्य भी करते हैं, जिससे जनता में सरकार की नीतियों के प्रति जागरूकता पैदा होती है। इसके लिए वे जनसंपर्क के साधनों के बीच खाई को पाटते हैं। वे नीतियों के बारे में जनता को ज्ञान देने के साथ साथ जनता की भावनाएं भी सरकार तक पहुंचाते हैं, उन्हें दूर करवाने का प्रयास करते हैं। एकात्मक सरकार की प्रादेशिक समस्याओं का ज्ञान सरकार को कराने में राजनीतिक दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा ही संरचनाओं का आदान प्रदान जनता और सरकार के बीच में किया जाता है। अतः राजनीतिक दल सरकार और जनता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर हम आते हैं चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनावों में जीत कर उनका एक ही ध्येय होता है, सत्ता और शासन पर नियंत्रण। जिस दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाता है और जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से चुनाव लड़ना और साथ ही चुनाव लड़ने के पश्चात सरकार बनाना, यह भी राजनीतिक दलों का ही दायित्व होता है। फिर है सरकार की आलोचना करना। तो लोकतंत्र में आलोचना का बहुत अधिक महत्व होता है। सर्वाधिकारवादी देशों में तो आलोचना का अधिकार होता ही नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होने के कारण विरोधी दल प्राय आलोचना से दूर ही रहते हैं। सरकार की आलोचना का प्रखर रूप संसदीय शासन प्रणालियों में हमें देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणालियों में एक दल तो सरकार चलाता है तो दूसरा सरकार की नीतियों का नज़र रखता है, ताकि गलत कार्य करने की दशा में सरकार को आलोचना न की जा सके। भारत में विरोधी दल का बड़ा महत्व है और उसे बड़ा सम्मान भी दिया जाता है। विरोधी दल की आलोचना रचनात्मक होने के कारण सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सदा ध्यान रखता है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना विरोधी दल का महत्वपूर्ण बना देता है। यदि अविश्वास का मत पारित हो जाए तो सत्तारूढ़ सरकार का स्थान विरोधी दल भी ले सकता है। इसलिए विरोधी दल की उपस्थिति लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करती है और इससे सरकार की निरंकुशता पर रोक लग जाती है। राजनीतिक नेताओं की भर्ती और चयन। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने पदाधिकारियों, नेताओं और सदस्यों की भर्ती और चयन भी करता है। निश्चित समय के बाद राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते हैं, जिनमें योग्य व्यक्तियों को संगठन में भर्ती करके कुछ संगठनात्मक कर्तव्य सौंपे जाते हैं। ये नेतागण ही आगे चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं। सत्ता का वैधीकरण। लोकतंत्र में नियत समय के बाद चुनाव होते रहते हैं, तो चुनाव ही सत्ता के वैधीकरण का भी प्रमुख साधन है। इस वैधीकरण को राजनीतिक दल अमलीजामा कहलाते हैं। चुनावों में राजनीतिक दलों के माध्यम से ही सत्ता में वैधीकरण का प्रयास होता है। सत्ता का वैधीकरण ही राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता और विकास का मुख्य साधन होता है। लोकतंत्र में फिर हम आते हैं समाज का एकीकरण। प्रत्येक समाज में अनेक हित समूह होते हैं और वे अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हित समूहों में राजनीतिक दलों का गहरा संबंध होता है। समाज के विभिन्न वर्गों की मांगें हित समूह द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के पास पहुंचती रहती हैं। यदि हम मांगों की अनदेखी कर दी जाए तो समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है।
राजनीतिक व्यवस्था को भी अस्थायित्व का खतरा उत्पन्न हो सकता है। राजनीतिक दल जनता की मांगों को एक सत्र में पिरोकर सरकार तक पहुंचाते हैं और समाज को एकता के सूत्र में बंधे रखने का प्रयास भी करते हैं। राजनीतिक दलों की यह भूमिका राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा नली मानी जाती है। हितों का समूहीकरण करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में राजनीतिक दलों ने अपने अवसरों पर भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार रूप में यह कहना गलत नहीं है कि राजनीतिक दल जनता की जनता से जोड़ने और समाज को एकता का मूल मंत्र होता है। इसमें हमने जो आपको देखे हैं पॉइंट्स, जिसमें जनमत तैयार करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करना, जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सरकार की आलोचना करना, राजनीतिक नेताओं की भर्ती और उनका चयन करना, सत्ता का वैधीकरण करना और समाज का एकीकरण, ये सब चीज़ें जो हैं राजनीतिक दलों की भूमिकाएं हैं। इसके पश्चात और भी हैं, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।